इस वीडियो का टाइटल है बैक बॉन्डिंग। तो अब ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इस वीडियो के बाद आपको बैक बॉन्डिंग वर्ड यूट्यूब पे दोबारा सर्च ना करना पड़े। इसी वीडियो में पूरा कंप्लीट करके जाएंगे, ठीक है। देखो बहुत सिंपल है। देखो आप मान लो नया फ्रिज लाते हो, नया टीवी लाते हो या नई वॉशिंग मशीन लाते हो, तो आपके घर में जगह होगी या इतना सारा सामान को रखने की जगह होगी तभी तो आप लाओगे, ठीक है। ये बात इतनी सी बात आपको समझ आती है तो आपका बैक बॉन्डिंग खत्म। देखो बहुत सिंपल है, मान लो एक एटम है ए और दूसरा एटम है बी, सिंपल है। अब ए एटम के पास है एक लॉन पेयर, तो ए एटम ने बी को बोला कि भाई मेरे पास लॉन पेयर है, तेरे को चाहिए क्या है? मेरे पास लॉन पेयर है, तेरे को चाहिए क्या? अब देखो बी के पास अगर खाली जगह होगी तो वो बोलेगा हाँ भाई आने दे, मेरा तो फायदा ही है। और इसके पास खाली जगह इसको रखने की होगी नहीं तो ये कैसे इसको रिसीव करेगा, ठीक है। तो इसके पास अगर वेकेंट और वाइटल है तो ये इसको बोलेगा हाँ भाई आने दे, मेरे को तो फायदा हो रहा है। और इसी फायदे को हम मिला जुला के बोल रहे हैं क्या? बैक बॉन्डिंग। पर यहां पे एक कंडीशन है, कंडीशन है 5 स्टार लगा लेना कि ए या बी इन दोनों में से एक एटम को सेकंड पीरियड का होना चाहिए। इन दोनों में से एक मिनिमम एक एटम को सेकंड पीरियड का होना ही चाहिए तभी बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है, ठीक है। अभी आपको पूछना चाहिए कि ए और बी अगर दोनों सेकंड पीरियड के हुए तो क्या होगा? तो मैं बोलूंगा अगर दोनों सेकंड पीरियड के हैं तो बहुत अच्छी बैक बॉन्डिंग होगी, ठीक है। दोनों सेकंड पीरियड के हैं तो बहुत अच्छी बैक बॉन्डिंग, एक सेकंड का है दूसरा थर्ड का है तो उससे थोड़ी कमजोर बैक बॉन्डिंग, एक सेकंड का है दूसरा फोर्थ पीरियड का है तो उससे भी कमजोर बैक बॉन्डिंग, एक सेकंड का है दूसरा फिफ्थ का है तो सबसे कमजोर बैक बॉन्डिंग। तो इस तरीके से करना है। अब देखते हैं बैक बॉन्डिंग पे हमसे क्वेश्चन क्या-क्या पूछे जाते हैं, थोड़ा वो देख लेते हैं, ठीक है। अब देखो अगर हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इन दोनों में से बताओ कौन अच्छा बेस है, तो बेस क्या होता है? जो लोन पेयर को डोनेट करता है। तो ये जो नाइट्रोजन पे लोन पेयर प्रेजेंट है इसको जो अच्छा डोनेट करेगा वो होगा स्ट्रॉन्ग बेस। तो सिंपली हमें देखना है कि इन दोनों में से किसी का, ये लोन पेयर है जो, ये लोन पेयर इन दोनों में से बैक बॉन्डिंग में किसका यूज हो रहा है। तो बैक बॉन्डिंग में अगर किसी का लोन पेयर यूज हो गया तो वो दूसरे को डोनेट कैसे करेगा, मतलब वो वीक बेस बन जाएगा, ठीक है। अब देखो बैक बॉन्डिंग की जो कंडीशन मैंने बताई थी सिंपल सिंपल वो चेक करनी है, ठीक है। एक एटम के पास क्या होने चाहिए? लोन पेयर, ठीक है। एक एटम के पास लोन पेयर, तो ये रिक्वायरमेंट दोनों में पूरी हो रही है, ठीक है। अब दूसरे एटम के पास इस लोन पेयर को रिसीव करने के लिए क्या होना चाहिए? वेकेंट और वाइटल, तो कार्बन के पास नहीं है। दूसरे एटम के पास क्या होना चाहिए? वेकेंट और वाइटल, तो सिलिकन के पास प्रेजेंट है, तो सिलिकन के वैकेंट और वाइटल इस लोन पेयर को रिसीव कर लेंगे, मतलब इस केस में हो जाएगी बैक बॉन्डिंग और इस केस में बैक बॉन्डिंग है अब्सेंट। अब देखो यहां पे ये लोन पेयर है ये बैक बॉन्डिंग में यूज हो गया, मतलब ये किसी और को डोनेट नहीं कर सकता, और इसमें बैक बॉन्डिंग अब्सेंट है मतलब ये लोन पेयर सुरक्षित है, मतलब ये किसी और को डोनेट कर सकता है। तो ये किसी और को डोनेट करेगा तो ये हो जाएगा अच्छा बेस। तो बेसिक स्ट्रेंथ हो गई इसकी, ज्यादा बहुत सिंपल है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमें बतानी है कि जो बी एफ की बॉन्ड लेंथ है वो किसमें ज्यादा होगी किसमें कम होगी। तो सिंपली देखो बैक बॉन्डिंग देखते हैं। बैक बॉन्डिंग का बेसिक स्टेप क्या है कि वही एक एटम के पास लोन पेयर और दूसरे एटम के पास वैकेंट ऑर्बिटल, और दोनों में से एक एटम सेकंड पीरियड का होना चाहिए, सिंपल है, इतनी सी बात देखनी है। देखो यहां पे देखो इसमें देखते हैं, पहले बोरोन सेकंड पीरियड का है बिल्कुल है, फ्लोरीन सेकंड पीरियड का है बिल्कुल है, तो सेकंड पीरियड वाली रिक्वायरमेंट अपनी पूरी। अब देखो एक एटम में वैकेंट ऑर्बिटल, तो बोरोन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है बिल्कुल है, और फ्लोरीन के पास लोन पेयर है बिल्कुल है, तो ये फ्लोरीन के लोन पेयर ये बोरोन के पास आ जाएंगे, तो ये सिंगल बॉन्ड था ये डबल बॉन्ड बन जाएगा, सिंपल है। अब इसमें देखते हैं, देखो यहां पे सिंपली क्या है, जो बोरोन के पास वैकेंट ऑर्बिटल थे ये है BF4 माइनस,
तो ये जो यहाँ पे ये चीज आई, इसने क्या किया, जो बोरोन के वैकेंट ऑर्बिटल थे उसको खत्म कर दिया। तो यहाँ पे ये जो फ्लोरीन के लोन पेयर हैं, ये जो इसके वैकेंट ऑर्बिटल में आने चाहिए थे वो नहीं आ पाएंगे, क्योंकि इसका वैकेंट ऑर्बिटल ऑलरेडी इसने इस माइनस ने खत्म कर दिया। तो यहाँ पे बैक बॉन्डिंग नहीं होगी और इसमें होगी। तो अब हमें क्या बताना है, बॉन्ड लेंथ देखो, इसमें बी एफ की है सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे बैक बॉन्डिंग की वजह से बन गया डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड की जो लेंथ होती है वो सिंगल बॉन्ड से हमेशा कम होती है, बहुत सिंपल है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमें क्या बतानी है, बैक बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ बताने से पहले हम पहले चेक तो कर लें कि बैक बॉन्डिंग हो भी रही है कि नहीं हो रही। तो बैक बॉन्डिंग के वही बेसिक स्टेप, एक एटम के पास वैकेंट ऑर्बिटल और दूसरे के पास लोन पेयर। तो वैकेंट ऑर्बिटल वाले देख लेते हैं, बोरोन है, सब में बोरोन है, तो बोरोन के पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है, तो इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, सिंपल है। अब देखना है दूसरे एटम के पास लोन पेयर, तो फ्लोरीन पे लोन पेयर होते हैं, क्लोरीन पे भी होते हैं, ब्रोमीन पे भी होते हैं, आयोडीन पे भी होते हैं। और तीसरी कंडीशन क्या थी कि दोनों एटम में से एक एटम को सेकंड पीरियड का होना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें बोरोन देख लो, सब में ही सेकंड पीरियड है, तो बाकी का तो हमें देखना ही नहीं, ठीक है। अब देखते हैं कि बैक बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ, ठीक है। अब देखो ये है सेकंड पीरियड का, फ्लोरीन है सेकंड पीरियड का, बोरोन सब में सेकंड पीरियड का हो जाएगा। अब ये क्लोरीन है थर्ड पीरियड, ये है फोर्थ पीरियड, ये है फिफ्थ पीरियड। तो ये है सेकंड क्लास का बच्चा, ये भी सेकंड क्लास का बच्चा, मतलब दोनों में अच्छी बॉन्डिंग होगी, बहुत अच्छी बॉन्डिंग होगी। अब ये है सेकंड क्लास का, ये है थर्ड क्लास का, मतलब थोड़ी सी कम बॉन्डिंग होगी कि एज में डिफरेंस है, छोटे बड़े हैं। ये है फोर्थ क्लास, और ज्यादा डिफरेंस आ गया, ये है सेकंड क्लास, एज का डिफरेंस और ज्यादा बढ़ गया, मतलब बॉन्डिंग और कम होगी। अब ये है फिफ्थ क्लास, ये है सेकंड क्लास, फिफ्थ क्लास वाला बहुत बड़ा है, मतलब बहुत कम बॉन्डिंग होगी। तो बैक बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ सेकंड सेकंड वाले में सबसे ज्यादा, फिर ये ऐसे ऑर्डर बन जाएगा जो फिफ्थ पीरियड और सेकंड पीरियड वाले में सबसे कम बॉन्डिंग। तो ये सिंपल सा एक रूल बना लो कि बैक बॉन्डिंग सेम पीरियड वाले एटम में बहुत अच्छी होगी, डिफरेंट पीरियड वाले में थोड़ी खराब होगी, ठीक है। तो ये बैक बॉन्डिंग में यही दो तीन टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, अपनी बुक में ढूंढ ढूंढ के कर लो आप, ठीक है। बेसिक रूल वही चलेगा, एक एटम के पास लोन पेयर, दूसरे के पास वैकेंट ऑर्बिटल, और दोनों एटम में से एक एटम को मिनिमम होना पड़ेगा सेकेंड पीरियड का। थैंक यू।